नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सलमान खान की मूवी किसी के भाई किसी के जान के 7वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एंड वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। और इसी के साथ जानेंगे ये मूवी अपने 8वें दिन यानी कि शुक्रवार वाले दिन कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है। तो चलिए दोस्तों, बगैर किसी देरी के वीडियो करते स्टार्ट। मैं हूँ आपका साथी रोहित त्रिपाठी। देखा जाए दोस्तों, सलमान खान की ये जो मूवी थी, मैं बता दूँ कि इस मूवी दोस्तों अगर हम इसके 7वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करें तो इस मूवी ने 7वें दिन 3.5 से 4 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है और इसका टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुका है 91 करोड़ के लमसम दोस्तों। और वहीं अगर हम ग्रॉस कलेक्शन के बारे में बात करें तो ग्रॉस कलेक्शन के मामले में इस मूवी ने 107 से 108 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के हिसाब से इस मूवी ने 146 करोड़ का आंकड़ा छू लिया है। जी हाँ दोस्तों, जहां इस मूवी का बजट बताया जा रहा था 120 से 125 करोड़ रुपए, वहीं वर्ल्ड वाइड के हिसाब से देखा जाए तो इस मूवी ने 146 करोड़ का आंकड़ा छू लिया है। और देखा जाए ये मूवी OTT प्लेटफॉर्म में भी बिक चुकी है। बता दूं, सलमान खान ने G5 कंपनी से इसके OTT राइट्स बेच दिए, वो भी 80 करोड़ में। यानी कि सलमान खान को इस मूवी से अब कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। अब जितनी भी कमाई होगी वो सारी की सारी कमाई सलमान खान के जेब में जाने वाली है दोस्तों। दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये मूवी अपने 8वें दिन शुक्रवार वाले दिन कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है? मेरा आंकड़ा ये है कि ये मूवी 5 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लेती है। अगर ये मूवी 5 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लेगी तो यकीन मानिए ये मूवी वर्ल्ड वाइड के हिसाब से 150 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर जाएगी। और देखा जाए ये मूवी अपने इस वीकेंड के अंदर अंदर शायद ये मूवी हिट भी हो जाए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि सलमान खान की ये मूवी एवरेज हिट होगी कि हिट होगी कि सुपर हिट होगी? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और हम आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।